हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। और जो भी लोग देख रहे हैं करंट अफेयर सेशन, डेली करंट अफेयर का सेशन लिया जाता है। टाइमिंग होती है आप लोगों की डेली की होती है 10 क्वेश्चन लिए जाते हैं, और कल आपने लिए थे 10 क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा था दोनों तरफ से, तो काफ़ी लोगों ने, व्यूअर्स ने अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया था। और आज भी मैं 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप लोगों ने स्क्रीन पर देख ही लिया होगा। और जो भी लोग हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो, बगल में रेड कलर का बेल आइकन उसको दबाइए, जिससे न्यू अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच पाए। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और बता दूँ तो हमारे यहाँ लाइव क्लासेस चल रही हैं यूपी लेखपाल और यूपी बीएड की, देखा जाए तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं। तो उनको आप लोग लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन उसको दबाइए, जिससे न्यू अपडेट सबसे पहले आप लोगों पर पहुँच पाए। तो चलते हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं करंट अफेयर सेशन का। ये पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसमें मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लिया था। किसने लिया था? पीयूष गोयल ने, नरेंद्र मोदी ने, सी अमित शाह ने, डी डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो इससे कौन सा ऑप्शन राइट होगा, देखते हैं कौन सबसे पहले देते हैं। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ, इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इसका डी ऑप्शन। जो भी लोग चूज कर, बिल्कुल राइट आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। और इनके बारे में कुछ फैक्ट आप लोग बताऊँ तो उन्होंने भारत द्वारा कोविड प्रबंध के लिए समयबद्ध वर्गीकरण और सक्रिय उपायों का प्रकाश डाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने 123 राष्ट्रों को एकजुटता की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यकता दवाओं की प्रदान किए हैं। चलते हम लोग दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या फैक्ट है। 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, देख लेते हैं इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। उड़ीसा, असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे इसका। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ, उसका सी ऑप्शन। जो भी लोग चूज कर, बिल्कुल राइट आंसर है महाराष्ट्र। और इनके बारे में कुछ फैक्ट आप लोगों को बताऊँ तो उत्तर प्रदेश 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी करेगा, और 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2021 की, और 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी हरियाणा करेगा। और महाराष्ट्र के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को दूँ तो भारतीय विकास की लहरी, राज्य पशु है, राज्य पक्षी जो है आपका पीले पैर वाले कबूतर हैं। और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानकारी दूँ तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान आपका यहीं पर ही है, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान आपका यहीं पर ही है, नया गांव राष्ट्रीय उद्यान आपका यहीं पर ही है। और बांध के बारे में कुछ जानकारी दूँ तो कोयना बांध कोयना नदी पर है, जैकवाड़ी का बांध गोदावरी नदी पर है, विल्सन बांध जो आपका परवार नदी पर है। तो ये तो था दूसरा क्वेश्चन के बाद, चलते हम लोग तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। मई 2020 में निम्न में से गोल्डन मैन सेक्स ग्रुप इंक में अपनी हिस्सेदारी बेची है, किसको बेची? अल्फाबेट इंक को, बर्कशायर हाथवे को इंक को, और जेपी मॉर्गन चेस को, कोल्डवेल बैंकर को। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देखते हैं कौन सबसे पहले देते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ, बी ऑप्शन। जो भी लोग चूज करें, बिल्कुल राइट आंसर है बर्कशायर हाथवे इंक। और इसके बारे में कुछ फैक्ट आप लोगों को बता दूँ तो 31 मार्च 2020 तक अपने अमेरिकी सूचीबद्ध निवेशों की एक नियमित फाइलिंग में बर्कशायर को कहा गया था कि गोल्डमैन की हिस्सेदारी 84% से घटा करके 1.9 मिलियन शेयर तक गिरा दी गई थी, जो कि देखा जाए तो जो वर्ष के अंतराल में 12 मिलियन थी। अब समझ सकते हैं आप लोग। तो ये तो था सिस्टम तीसरे क्वेश्चन का फैक्ट। चलते हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन 1.34% की हिस्सेदारी के लिए जियो प्लेटफॉर्म में 6,598.38 करोड़ का निवेश करने के लिए तैयार है? और मैं देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ऑप्शन अपेक्स पार्टनर, सीवीसी कैपिटल पार्टनर, सीए जनरल अटलांटिक, और टीए डीए टीए एसोसिएट। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, देखते हैं। इस चौथे क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ, इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है जनरल अटलांटिक।
और इनके बारे में कुछ फैक्ट आप लोगों को बताऊं तो फेसबुक और सिल्वर लेक और विस्टा इक्वलिटी पार्टनर्स के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ये तेज़ी से चौथा निवेश होगा। और देखा जाए तो यह निवेश जियो प्लेटफॉर्म को 4.91 लाख करोड़ के इक्वलिटी मूल्य और 5.16 लाख करोड़ के उद्यम मूल्य पर निर्भर करता है। जो ये तो था चौथा क्वेश्चन फैक्ट, चलते हम लोग पाँचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। PM ई विद्या कार्यक्रम के तहत छात्रों की ऑनलाइन शिक्षा के लिए कितने DTH चैनल शुरू किए जा रहे हैं, 6, 8, 10, 12, तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, देखते हैं कौन सबसे पहले देते हैं। तो ये पांचवा क्वेश्चन का जो राइट आंसर इसका मैं बता देता हूँ, उसका डी ऑप्शन जो भी लोग चूज करें बिल्कुल राइट आंसर है। और इनके बारे में कुछ फैक्ट आप लोगों को बता दूँ तो PM ई विद्या कार्यक्रम के तहत 12 DTH चैनल शुरू किए जा रहे हैं, जिनमें से देखा जाए प्रत्येक कक्षा 1 से लेकर 12 तक समर्पित होगा और इसमें पूरे कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी जाएगी पढ़ाई के बारे में। और शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को 30 मई 2020 तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति होगी और विभिन्न में IIT IIM प्रख्यात संस्थानों में राष्ट्रीय सरकार शामिल रहेंगे। तो ये तो था पांचों क्वेश्चन का फैक्ट, चलते हम लोग छठे क्वेश्चन की तरफ। कोरोना वायरस सकारात्मक पाए जाने के बाद रत्नाकर मटकारी का मई 2020 में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे, क्रिकेट, विधि, राजनीति, लेखक। तो छठे क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट होगा देख लेते हैं। तो छठे क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ, इसका डी ऑप्शन जो भी लोग चूज करें बिल्कुल राइट आंसर, एक लेखक थे। और उनके बारे में कुछ फैक्ट आप लोग बताऊँ तो उन्हें मराठी में संदिग्ध नाटक आंदोलन का अग्रणी माना जाता था। और बताऊँ तो बच्चों के लिए कहानी की किताबों से लेकर नाटकों तक मराठी साहित्य में उनका काम अभूतपूर्व रहा है। और देखा जाए तो नाटकों और कथाओं में उपन्यास जैसे विभिन्न रूपों में उनके योगदान की मराठी साहित्य की दुनिया को समृद्ध किया है उन्होंने। तो चलते हम लोग सातवां क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कंपनियों को प्रोटेक्टेबल नामक कोरोना वायरस स्क्रीनिंग को ऐप दे रहा है, यूनाइटेड ग्रुप, माइक्रोसॉफ्ट, TCS, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर मैं बता देता हूं, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल चूज करें जो भी लोग, बिल्कुल राइट आंसर है, ए और बी दोनों होंगे, यूनाइटेड ग्रुप और माइक्रोसॉफ्ट। और इनके बारे में कुछ जानकारी दे दूँ तो प्रोटेक्टेबल ऐप कार्यकर्ताओं को उनके परीक्षण के परिणाम के प्रदान करता और कर्मचारियों के कोरोना वायरस सकारात्मक होने पर नियुक्ति को सूचना प्रदान करेगा। तो ये तो था सातवें क्वेश्चन के पर, चलते हम लोग आठवें क्वेश्चन की तरफ। मई 2020 में निम्नलिखित में से किस टीम ने IndianChess.com लीग जीता है, किसने जीता है, सुपर किड्स ने, बी है देसी बॉयज, सी है चेस गुरुकुल, डी है यूनाइटेड इंडिया। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा देख लेते हैं, कौन सबसे पहले देते हैं। तो आठवां का राइट आंसर मैं बता देता हूँ, इसका सी ऑप्शन जो भी लोग चूज करें बिल्कुल राइट आंसर है, चेस गुरुकुल इसका राइट आंसर है। और बता दो युवा में युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन और कार्तिकेय मुरली शामिल थे। और देखा जाए तो विजेता टीम को 35,000 रुपये की पुरस्कारी राशि मिली है, जो कि लगभग 25 भारतीय ग्रैंड मास्टर ने भाग लिया था। और यह कार्यक्रम बिट्स प्रारूप में खेला गया था, बिट्स बोले तो। चलते हम लोग नौ क्वेश्चन ले लेते हैं। लिन सेल्टन का मई 2020 में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं, शतरंज, फिल्मी निर्देशक, राजनीति, रियल इस्टेट। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा देखते हैं, कौन सबसे पहले आंसर देते हैं। और जो भी लोग PDF चाहते हैं PDF लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, उसको आप लोग ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आप लोगों को पहली PDF मिलेगी। तो इस नवे क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ, इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, फिल्म निर्देशक। और उनके बारे में कुछ फैक्ट आप लोगों को बताओ तो हाल ही में उन्होंने रीज, विदरस्पून और केरी वाशिंगटन अभिनय हुलू सीरीज के लिए छोटे एपिसोड लिटिल फायर एवरीवेयर के लिए 4 एपिसोड उन्होंने निर्देशन किया है।
तो हाल ही में उनको थोड़ा सा दिक्कत होने की वजह से ये सब चीज़ें हो गई। तो चलते हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 10वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन 2020 में सॉफ्टबैंक ग्रुप काप्स के बोर्ड की इस्तीफा दे देंगे? कौन दे देगा? जैक मा, योशिमोटो गोटो, युगो कावामोटो, डी लिबू तान। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इस लास्ट क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लेते हैं कौन सबसे पहले आंसर देते हैं। तो इसका लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, जैक मा। और उनके बारे में कुछ फैक्ट आप लोग बताऊँ तो सॉफ्टबैंक 25 जून 2020 को शामिल होने वाले अपनी वार्षिक आम बैठक में CFO के योशिमोटो गोटो के सहित बोर्ड ने 3 मई नियुक्तियों के प्रस्ताव देगा। और बता दूँ तो सॉफ्टबैंक बोर्ड पर वसेदा बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर युगो कावामोटो, केट्स डिजाइन सिस्टम के CEO लिबू बाम को चुनाव का प्रस्ताव भी रखेगा। तो ये तो फैक्ट था 10वें क्वेश्चन का। इसके बाद में है आप लोगों को सभी लोगों के आंसर इसमें दिए गए। तो जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ाइए जिससे और भी लोग जुड़ पाएँ। और ये वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करें, क्योंकि जो भी चीज़ें मैंने थी 10 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। तो धन्यवाद एक बार फिर से मैं बता दूँ वीडियो देखने के लिए। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद। धन्यवाद।